अस्सलाम अल्लाह ऑल फ्रेंड्स क्या हाल चाल है उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे लेसन नंबर 143 के 15 क्वेश्चन के साथ हाज़र हुआ हूँ क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट डज दिस साइन मीन इस साइन का क्या मतलब है प्रोहिबिशन ऑफ एंटरिंग दारो पशाहे इफ़ बाय डूइंग सो आई फोर्स द वन अप्रोचिंग फ्रॉम द फ्रंट टू स्टॉप बी टू वे रोड सी आई है प्रायोरिटी ऑफ पशाहे इन द दॉविंग रोड जी इसका होगा ए प्रोहिपशन ऑफ एंट्रिंग दफ बाई डी वन अप्रोचिंग फ्राम द फ्रंट टू स्टॉप इसका मतलब यह है कि हमने स्टॉप करना है अगर सामने से कोई गाड़ी आ गया तो हमने उसको रास्ता देना है और जो जो सुरख लाइन है वो हमारी साइड पर है वो हमने वहाँ रुकना है हमने आगे वाले को रास्ता देना है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है वट ट्रैफिक सिचुएशन फेवर दी अपियरेंस ऑफ ड्राउनस वो कौन सी ट्रैफिक की सिचुएशन है ट्रैफिक की हालत है जिसमें जो है आपको नींद आना शुरू हो जाती है वो जो नींद में मददगार साबित होती है जहाँ आपके आगे अंधेरा अंधेरा साना शुरू हो जाता है हो ए द वंस बी दोज डेट हैव चेंज इन दिनवायरमेंट वेरी फ्रिकुनटली सी ड्राइविंग इन एन अर्बन एरिया विद ए हॉट ऑफ ट्रैक इसका होगा ए वंस के जो सीधे रोड हैं वो हमेशा जो हैं वो मददगार जो वो साबित होते हैं कि आपको नींद आना शुरू हो जाती है क्वेश्चन नंबर है कैन वी डबल पार क्या हम डबल पार कर सकते हैं ए यस इफ देर इज नो साइट इन दी देंटी बी नो इट इज फॉर सी ओनली फॉर लेस देन टू मिनट्स एंड साइनली इट विद दी एमरजेंसी लाइट जिसका होगा बी नो इट इज़ फॉर बी डन ये मना है कि हम डबल पार्किंग पार्क नहीं कर सकते क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है इफ़ यू हैव स्लीप प्रॉब्लम यू शुड बी अवेयर अगर आपको सोने की आदत है तो आपके लिए क्या अच्छा होगा ए यू मस्ट स्लीप मोर देन हावर टू ड्राइव बी इट इज़ नॉट इन परफेक्ट कंडीशन टू ड्राइव सी इट इज़ एडवाइजेबल टू टेक स्टमुलेटिंग अवडेंस टू स्टे अवेक जी इसका मतलब वो होगा कि अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो आपके लिए ये अच्छा है तो आप ड्राइविंग करने के हालत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर एटीन का आंसर होगा बी और क्वेश्चन नंबर 19 का भी होगा बी इफ़ यू हैव स्लीप प्रॉब्लम्स यू शुड बी अवेयर डैट इट इज़ नॉट इन परफेक्ट कंडीशन टू ड्राइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कैन फिजिक ट्रॉपिक ड्रग्स ऑल्टर द एबिलिटी टू ड्राइव सेफली क्या जो ऐसी ड्रग्स हैं कुछ जो हैं वो क्या मददगार साबित होती हैं बंदा जो ड्राइव है वो सेफली करे ए नो एक्सेप्ट डेट अल्कोहल इज आल्सो इन्गेस्टिड बी यस सीरियसली सी नो बिकॉज दे हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन दी ड्राइविंग जिसका भी सीरस चीज के ऐसी कोई अद्वियात हैं कि जिससे आप जो है जो है फार्मेसी वालों से मिल जाती हैं जिससे आप जो ड्राइविंग है वो सेफ करते हैं और वो उस पर मददगार साबित हो सकती हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है हो लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द मैक्सिमम ब्लड अल्कोहल लेवल के कितनी देर हम जब शराब पी लेते हैं तो उसकी कितनी देर बाद जो अल्कोहल का जो लेवल है वो अपने पीक पर पहुंच जाता है ए टू हार आफ्टर हैविंग हैड द लास्ट ड्रिंक बी बेटवीन थर्टी एंड नाइन्टी मिनट आफ्टर हैविंग हैड द लास्ट ड्रिंक सी हॉफ एंड आवर आफ्टर हैविंग हैड द लास्ट ड्रिंक जिसका होगा बी के आधे घंटे से लेकर नाइन्टी मिनट के ड्रिंक के बाद जो है वो कोल जो लेवल है वो अपने जो है पीक जो लेवल है उसके अपने एंड पे पहुँच जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का होगा बी और ट्वेटन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का भी होगा बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है रीडिंग ए न्यूज पेपर और लुकिंग एट ए मैप वाइल ड्राइविंग इट इज ए ड्राइविंग कि क्या हम अखबार पढ़ रहे हैं और साथ में हम जो है वो मैप भी देख रहे हैं क्या ये ड्राइविंग के लिए खतरनाक हतर, साबित हो सकता है खतरा हो सकता है ए यस बी रीडिंग ए न्यूज़ पेपर ये बट लुकिंग एट मैप नो सी ओनली इफ यू लुक अवे फ्रॉम द रीड फॉर मोर देन टू सेकंड जिसका होगा ए हाँ जी ये खतरा पैदा हो सकता है कि हम मैप भी देख रहे हैं साथ न्यूज़ पेपर भी पढ़ रहे हैं तो ये खतरा साबित हो सकता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है व्हाट डज दिस साइन इंडिकेट ये वाला साइन क्या हमें कह रहा है ए एग्जिट ऑन दी मोटर वे हाई वे और कार्रैक थ्री हंड्रेड मीटर अवे एंड टू दी राइट बी एग्जिट थ्री हंड्रेड मीटर ऑन द लेफ्ट सी लेफ्ट क्रॉसिंग एट थ्री हंड्रेड मीटर जी ये हमें कह रहा है कि राइट साइड पर मोटरवे पे आगे हमें जो तीन सौ मीटर आगे जो एग्जिट वो उसको तीन सौ मीटर रह गए हैं राइट साइड पे इसमें हाईवे भी हो सकता है मोटरवे भी हो सकता है यहाँ कार ट्रैक जो है वो भी हो सकता है और उसमें भी यही होगा हो कि तीन सौ मीटर आगे जो है वो एग्जिक्ट है राइट साइड पे अगर ये वाली लाइनें दूसरी साइड पे लगी हुई है ऐसे ऐसे कार के तो वो होगा लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है द रेड व्हीकल वीर विल इट स्टॉप टू मेक द स्टॉप के ये वाला जो रेड व्हीकल है इसने कहां पे स्टॉप करना है ए जस्ट बिफोर रीडिंग द इंटरसेक्शन बी बिफोर द इंटरसेक्शन विदाउट

जो है बर्फ़ वाले जो चैन हैं वो उनकी मंडेटरी है ज़रूर आपने पहनने हैं तो वो गाड़ी के कौन से जो टायर हैं उन पे चढ़ाए जाएंगे इंस्टॉल किए जाएंगे ऑलवेज ऑन द फ्रंट व्हील्स बी ऑन द स्टेयरिंग व्हील्स सी ऑन द ड्राइविंग व्हील्स जी इसका होगा सी के जो ड्राइविंग व्हील्स हैं उनके ऊपर जो है जिनसे जो गाड़ी वो जोर लगाती है उन पर जो है ये चेन लगाए जाएंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है इफ यू आर फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है इफ यू आर फॉलोइंग ए ड्रग ट्रीटमेंट व्हाट प्रिकॉशन शुड यू डू यू टेक अगर आप कि ड्रग का इलाज चल रहा है आपको नशे का इलाज चल रहा है तो आपके लिए क्या करना होगा आपको कौन सा एक्शन लेना होगा ए डू नॉट टेक तैम वाइल ड्राइविंग बी रिड्यूस द दो, डोज बिफोर ड्राइविंग सी कंसल्ट ए डॉक्टर और फार्मासिस्ट फॉर द इफेक्ट ऑन ड्राइविंग जिसका होगा सी के हमें जो हमारा डॉक्टर है उसके साथ मशवरा करना चाहिए या किसी फार्मासिस्ट के साथ कि इस जो है ये हम जो मेडिसन ले रहे हैं इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा ड्राइविंग पे अगर वो कहता हैं गाड़ी चला ले तो हम चला लेंगे अगर वो कहता हैं नहीं तो हम नहीं चलाएंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है दिस डेस्ट लाइन व्हाट डज इट इंडिकेट ए स्पेशल लाइन बी अप्रॉक्सीमेटली टू ए कॉन्टिन्यू लॉन्ग लाइन सी रिवर्सिबल लाइन जी इसका होगा ए स्पेशल लाइन के ये एक स्पेशल लाइन है डैश लाइन जिसमें जो बड़ी लाइन है उसको हम बोलेंगे ए स्पेशल लाइन ट्वेंटी सिक्स का होगा सी और ट्वेंटी सेवन का होगा ए आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विल वी बी एबल टू पार्क इन ए लाइन रिजर्व फॉर बसेस क्या हम जो लाइन है वो रिज़र्व है या तो उसके लिए क्या वहाँ पे हम गाड़ी पार्क कर सकते हैं जी हम गाड़ी वहाँ पे पार्क नहीं कर सकते जो लाइन है वो रिजर्व है सिर्फ उसी के लिए बसेस के लिए हम वहाँ पे पार्क नहीं कर सकते ए डू नॉट हम नहीं कर सकते बी यस वी कैन स्टॉप बट नॉट पार्क सी वी कैन स्टॉप बट लेस देन टू मिनट्स जिसका होगा ये कि हम नहीं कर सकते इसका आंसर होगा ए डू नाट नहीं कर सकते क्वेश्चन नंबर टwenty eight will we be able to park in land reserve for buses a do not जी हम जो land reserve for buses वहां पे हम पार्क नहीं कर सकते डू not हम नहीं कर सकते जब भी आपको टाइम मिले जब मैं चुप होता हूं तो आप अपना जो सवाल है उसको पढ़ लिया करें ताकि आपको मज़िद अच्छी तैयारी हो जी आपकी क्वेश्चन नंबर twenty nine है when you find this sign दी साइंस वट शुड यू डू जब अब आपको ये वे जो है निशान मिलते हैं तो आपको क्या करना होगा या आप क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर ए ड्राइव ऑन दाइड इंडिकेटेड बाई आर ओ बींग एबल टू पास ऑन द लेफ्ट साइड इफ शू नोटिस डैट नो विकल इज अप्रोचिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन बी ओ वे द मोस्ट रिस्ट्रैक्टिव सिग्नल सी पास बाई साइड इंडिकेटेड बाई आर ओ बज एंट्री द लेफ्ट इज़ प्रोटेड जिसका होगा सी के पास आन दी साइड इंडिकेट बाई आर ओ जिस साइड पे आर ओ कह रहा है तीर का निशान हम उस साइड पे जाएंगे क्योंकि जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे एंट्री जो है वो प्रोहिबिटेड है प्रोहिबिटेड का निशान लगा हुआ है इसका होगा सी क्वेश्चन नंबर थर्टी है वन ओवरटेकिंग एनिमल ड्रॉन व्हीकल साइड सेपरेशन जब हम गाड़ियों जो है जो जानवर खींच रहे हैं जिन गाड़ियों को उससे हम जो है कितनी सेपरेशन हो होगी हमारी ए इट मस्ट नॉट बी लेस दैन वन पॉइंट फाइव मीटर वन आवर टेक टेक प्लेस सी आउटसाइड द टाउन बी इट मस्ट बी एट लीस्ट वन पॉइंट फाइव मीटर इन ऑल केसेज सी इट मस्ट ऑलवेज बी प्रोपोशनल टू दिथ एंड क्रेटिटिक्स ऑफ द रोड जिसका होगा ए के हमें जो है वो वन पॉइंट फाइव मीटर जो डेढ़ मीटर है उससे कम नहीं होनी चाहिए जब भी हम इसको शहर के जो बाहर हैं उससे हम जब हम अवरटेक करें जानवरों के खींचने वाले व्हीकल को थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें ज़रूर शेयर किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें और हमें हम कमेंट करके ज़रूर बताया करें अल्लाह हाफिज़